हेलो दोस्तों, मैं उदय शंकर सोनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर। लेसन दो प्रोनाउन का शुरू होने जा रहा है, गोल्डन रूल्स फॉर फिलर्स एंड कॉमन एरर्स। SSC, SBI, IBPS, NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, जहाँ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा या नॉमिनेटिव केस में, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा या सब्जेक्ट के रूप में, ये डिसाइड करने वाला नियम। और इस पे बहुत ज़्यादा कॉमन एरर्स और फिलर्स दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस रूल को। बस एक पॉइंट है, ऑल के बाद बट प्लस प्रोनाउन रहे या नन के बाद बट प्लस प्रोनाउन रहे या इस एक्सप्रेशन के बाद, मतलब एवरी के साथ नाउन, एनी के साथ नाउन या नो के साथ नाउन के बाद बट प्लस प्रोनाउन रहे, तो सवाल होता है कि यह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में। तो डिपेंड करता है, यदि इस प्रोनाउन के बाद वर्ब रहे तो वह प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई गलती नहीं। लेकिन यदि वर्ब नहीं रहे बाद में तो सिर्फ और सिर्फ वह प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। मैं समझ रहा हूँ कि रूल इतना बड़ा है कि आपके लिए फॉलो करना समझना मुश्किल होगा, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के जरिए इसको प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मैंने कहा ऑल के बाद बट प्लस प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का जगह खाली है, तो ये प्रोनाउन ये सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन होगा या ऑब्जेक्ट वाला, डिपेंड करता है। तो इस बट प्लस प्रोनाउन के बाद वाले हिस्से में कोई वर्ब दिख रहा है इधर? नहीं ना, है सेंटेंस खत्म हो गया है, तब यहां पर हर हालत में ऑब्जेक्ट वाला ही प्रोनाउन होगा, ठीक है। फिर उसी तरह मैंने कहा था नन प्लस नन के बाद बट प्लस प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन के बाद क्या दिख रहा है? वर्ब दिख रहा है, तो आप यहां शी लिखें तो भी सही, सब्जेक्ट लिखें तो भी सही, या हर यानी ऑब्जेक्ट लिखें तो भी सही। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन फिर से देखिए, यहाँ पर ऑल के बाद बट प्लस प्रोनाउन है ना, तो अब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? तो भाई साहब बाद में क्या मिल रहा है? वर्ब मिल रहा है कि नहीं? तो बाद में वर्ब मिल रहा है तो सब्जेक्ट भी सही है और ऑब्जेक्ट भी सही है, यानी यहाँ ही लिखे तो भी सही हो जाएगा, हिम लिखे तो भी सही हो जाएगा। इस पे बेस्ट एक कॉमन एरर, बहुत आसान, Nobody but her would do a thing. देखिए nobody के बाद but plus pronoun आया, इसके बाद यदि verb आ गया है तब यहाँ पर object वाला pronoun भी सही होगा, subject वाला pronoun भी सही होगा, इसलिए इस sentence में माना जाएगा no error. कितना आसान था? I hope कि आपको मजा आया होगा, आप सीख भी गए होंगे, आगे इस तरह के question में आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए। अगर आप ये video Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाएं। दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ दिया है, या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के सर्च बार में आप लिखेंगे उदय शंकर सोनी, पूरा नाम लिखेंगे उदय शंकर सोनी, तो आपको मेरा प्रोफाइल मेरे पिक के साथ दिख जाएगा, आप वहां मुझे फॉलो करें। इस तरह के बहुत यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैंने वहां भी डाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज के रूप में, SSC में, बैंक में। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी जैसा भी लगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज फीडबैक दें, मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है या कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आपको अपने तैयारी के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स या लेसन की डिमांड करनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें सोशल मीडिया अकाउंट पर, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को, सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने मेहनत किया तो मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच।